और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई मामले में दायर अंतिम चार्जशीट पर सुनवाई होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सीबीआई ने 7 जून को अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी और 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजक चलाने की अनुमति देने पर 20 अगस्त तक फैसला करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकार से ये कहा कि अगर 20 अगस्त तक फैसला नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकार का अधिकृत अधिकारी कोर्ट आकर देरी से संबंध में स्पष्टीकरण दे। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं। और बड़ी खबर दिल्ली से ही, जहां पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों की मौजूदगी इस वक्त दिल्ली में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की भी मौजूदगी आज दिल्ली में। जेपी नड्डा और अमित शाह से इन दोनों की मुलाकात होने वाली है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। बीजेपी अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है, वहीं दूसरी सीट पर उम्मीदवार के नाम पर फैसला होना है, उस पर मोहर लगनी है। और इस दृष्टिकोण से दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त दिल्ली में मौजूद। बिहार में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव है। एक सीट पर एनडीए ने आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है। बिहार में राज्यसभा का रन शुरू होने वाला है। राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 21 अगस्त नामांकन की अंतिम तारीख है। 22 अगस्त को नामांकन पत्र की जांच होगी। 27 अगस्त तक नाम वापसी की तारीख है और जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को चुनाव होगा। दो सीट पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर एनडीए ने आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। वे बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिस पर चुनाव होने जा रहा है। संख्या बल के हिसाब से दोनों ही सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। अब दूसरी सीट पर किसको मौका मिलता है और कौन संसद के ऊपरी सदन में पहुँचता है, ये देखना होगा।